एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जे आर एफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत तो है दोस्तों आप सभी का 5 मिनट मस्त नो सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, राष्ट्रीय सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISC। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये 5 से 7 मिनट का सेशन होगा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो कि आपका यूनिट 9 यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए के द्वारा ये मेंशन भी आपका किया गया है। शुरुआत दोस्तों हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन से। पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद में हम इसको कवर करते हैं। इसमें आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। दूसरा स्टेटमेंट दिया है द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो आपका ठीक है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या नाइदर वन एंड टू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका सही होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपके बारे को दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ओनली वन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो वो आपका यूनाइटेड नेशन की जो UNCCC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP 21 2015 में, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया था दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था। और इसके सारे यूएन के जो मेंबर हैं वो सारे इसके मेंबर नहीं है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको लॉन्च किया है टू बूस्ट द सोलर एनर्जी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी हमारे विकासशील देश हैं आपके, है ना, उनमें सौर ऊर्जा को विकसित करने के लिए। पर्पज क्या है? विकास जो सील हमारे देश हैं उसमें सौर ऊर्जा को विकसित करने के लिए ये डेवलप किया गया है दोस्तों। और इसकी लॉन्चिंग जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी, नेशनल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। इसका जो सेक्रेटरीट है दोस्तों वो है गुरुग्राम, इंडिया में इसका सेक्रेटरीट है, वो आपका लोकेटेड है। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ISA है इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से। स्टार्टिंग में हम बात करें दोस्तों, जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जब ये ओपन हुआ था, तो जो टोरिड जोन में कंट्रीज आते हैं यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आते हैं वो इसके मेंबर थे। बात करते हैं कि टोरिड जोन क्या है दोस्तों। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इसके बीच में जो जो कंट्रीज आते हैं जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा आपको मिलती है ना, जो सूर्य की जो किरणें हैं, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा जो मिलती है, वो कंट्रीज जिसके मेंबर थे, ये टोरिड जोन होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कक्कर रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर थे। बट बाद में हम देखते हैं कि 2018 में क्या होता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबरशिप है वो सारे कंट्रीज के लिए क्या कर दी जाती है, ओपन कर दी जाती है दोस्तों। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा बेसिकली, है ना। करंटली हम बात करें दोस्तों तो 106 कंट्रीज हैं, 106 कंट्रीज हैं वो क्या है आपके ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या है आपके मेंबर है। और 98 कंट्रीज हैं जिन्होंने ISA फ्रेमवर्क को क्या किया है, साइन किया है दोस्तों, है ना। तो प्लीज इसको याद रखना, ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन आर नॉट इट्स मेंबर, इस चीज को ध्यान में रखना, है ना। इसकी मेंबरशिप है, ओपन की गई है यूएन मेंबर के लिए, लेकिन इसके मेंबर है नहीं अभी भी, ठीक है। 106 कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है, रेक्टिफाई किया है, और 98 कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक इसको साइन कर दिया है एग्रीमेंट, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ना, सही कौन सा है आपका, तो सही कौन सा होगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को आपको याद रखिए।
उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें सौर ऊर्जा को विकसित करना है। विकासशील देशों में हमें क्या करना है, सौर ऊर्जा को क्या करना है, विकसित करना है। और ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको क्या किया है, लागू किया है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका विजन क्या है दोस्तों। तो ये कई बार ये सवाल आपके आ सकता है कि विजन क्या है, आईएससी का विजन क्या है दोस्तों। आईएससी का जो विजन है, लेट्स टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, लेट अर्थ लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये इसका क्या है, विजन है दोस्तों। मैं बात करूं मिशन की, इसका मिशन क्या है दोस्तों, है ना। इसका मिशन है एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। हर घर में चाहे वो कितना ही दूर हो, उसके पास में लाइट होनी चाहिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो क्या है, कहाँ है, गुरुग्राम में है दोस्तों। प्लीज इसको याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में, यानी भारत में इसका हेडक्वार्टर है। तो विजन, मिशन और मुख्यालय, तीनों चीज आपको पता। ये बात हमने कर ली। मेंबर नेशन की हम बात करें दोस्तों, तो ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर एलिजिबल टू ज्वाइन द आईएसए, बट है नहीं एलिजिबल टू ज्वाइन द आईएसए, बट है नहीं। 106 कंट्रीज हैं जिन्होंने आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है, और 98 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन भी किया है और इसको रेक्टिफाई भी किया है 106 कंट्रीज में। तो ये बात को पता, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो आईएसए है उसका स्टेटस क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको ग्रांट किया गया है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है उसका डायरेक्टर जनरल होता है। अब सवाल आता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल कौन है। डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो दोस्तों डॉक्टर अजय माथुर है, वो अभी आईएसए के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। डॉक्टर अजय माथुर क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए सब। अब दोस्तों एक सवाल और मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, वैसे ये आपको खुद से भी खुद से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि आईएससी के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाए। तो ओसोवोक की मैं बात करूं तो दोस्तों COP26 जो हुआ है आपका, है ना, जो कि कहां पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था आपका COP26, वहां पे ओसोवोक प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, और इंडिया एंड यूके के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, ओसोवोक प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है, आईएसए के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों को इसके अलावा इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी इनिशिएटिव कौन कौन से हैं इंडिया के, जैसे नेशनल सोलर मिशन है जो कि NAPCC का ही पार्ट है आपका, नेशनल सोलर मिशन। इसके अलावा दोस्तों हमारा INDC टारगेट क्या है, इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड टारगेट क्या है दोस्तों। INDC जो हमारे टारगेट है वो है कि हमें 100 GW 2022 तक किससे बनाना है, हमें सौर ऊर्जा से बनाना है। तो ये हमारा INDC टारगेट है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों अदर गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी चलाई जा रही है, जैसे सोलर पार्क स्कीम चलाई जा रही है, कैनाल बैंक एंड कैनाल टैप टॉप स्कीम बनाई जा रही है, बिल्डिंग बंडलिंग बंडलिंग स्कीम बनाई जा रही है आपकी, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप स्कीम है, जो कि किसके लिए है, आपकी सौर ऊर्जा से रिलेटेड आपकी क्या है, सरकारी योजना है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे दूसरे सेशन में, जस्ट अभी आप देख लीजिए कि कौन कौन से स्कीम है जो सौर ऊर्जा से संबंधित है हमारी है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको क्लास के बाद में देने हैं। आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ पे है। दूसरा आपको ये बताना है इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे है, फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत, ठीक है। तो ये दो आंसर आपको देने हैं, मुझे कमेंट करके क्लास के बाद में देने हैं, अभी नहीं देने हैं। अगर आप दोस्तों हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं Paper 1 + Paper 2 दोनों के लिए, तो आपका क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है जिसमें कंप्लीट Paper 1 एंड Paper 2 की आपको तैयारी करवाई जाएगी। मैं Paper 2 आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी आपको तैयारी है यहाँ से करवाई जा रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे Paper 2 हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। GRF अडैप को आपने इंस्टॉल नहीं किया तो GRF अडैप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको यहाँ से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है,
आपको फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आपको कमेंट करके मुझे बताएं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।